जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। हमने सोचा कि जम्मू से श्रीनगर आने से बेहतर है कि हम पहले हर डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, नॉर्थ कश्मीर में, साउथ कश्मीर में, और उसके बाद फिर श्रीनगर में आए। और वही कड़ी है कि हम यहाँ परसों की तैयारी में लगे हैं। आजाद साहब की शख्सियत किसी से छुपी नहीं। आजाद साहब वो मर्द मुजाहिद है जिसने मोदी की आंखों में आंखें डाल के कहा ये कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। राज्यसभा में प्लीड किया कि आप लोग गलत कर रहे हो, उसमें साबित करके दिया कि कश्मीर बाकी स्टेट से बेहतर है। अब ये है कि आजाद साहब ने घुटन की वजह से, जैसे मैंने पार्टी छोड़ी, आजाद साहब को देखा देखी मैंने भी 42 साल के बाद पार्टी छोड़ी। तो मकसद सिर्फ ये कि यहां घुटन लेंगे, यहां हम बोल सकते हैं, वहां में बार बार डांट थी। पहली डांट मत बोलो, 370 के खिलाफ मत बोलो, आप जमीन के मुतालिक मत बोलो, मुल्क सारा एक है। तो इस किस्म की हमें घुटन और दबाव था और हम नहीं समझते थे कि क्या हो रहा है। इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने ही खोल में बंद हो गया, मैं उड़ी तक महदूद हो गया कि उड़ी के अंदर ही रहूं, वही करूं, उससे बाहर ना जाऊं। मगर एक किरण नजर आई मुझे आजाद साहब की रिजिग्नेशन के पास। आई वॉज फर्स्ट टू फॉलो हिम। अब आजाद साहब वो शख्स है जो बांगे धोल ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड हमारा हक है। वो बांगे दोहल कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को उनकी जमीन पे पूरा हक है। वो बांगे दोहल ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार की नौकरियों पे सिर्फ कश्मीर के नौजवानों का हक है। वो बांगे दोहल ये कह रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को इज्जत और वकार और अमन दिलाए। आज तो सर उठा के चलने की बात ही नहीं। आप सर उठा के नहीं चल सकते, हर दो कदम पे नाका है, हर दो कदम पे आपकी आइडेंटिटी पूछी जाती है, हर दो कदम पे आपको कहते हैं कि डिक्की खोलो। इन चीजों से हमें नजात चाहिए। हमें जैसे मुल्क के बाकी जगहों पे लोग सर उठा के चलते हैं, हमें भी उसकी इजाजत चाहिए। और वो हमें सिर्फ और सिर्फ जनाब गुलाम नबी आजाद साहब दिला सकते। मैं उड़ी की नहीं बात करता, मैं इस वक्त स्टेट लेवल पे बात करूंगा। हमें स्टेटहुड नंबर वन, लोगों को अपनी जमीन का हक, लोगों को, बच्चों को सरकारी नौकरियां, अमन अमान, इज्जत और बकार, बस यही हमारा मंशूर है, इसके अलावा कुछ।